चैप्टर का नाम है अवकलज। समझ रहे हो ना, चैप्टर का नाम है अवकलज। इसको हम अवकलन भी कहते हैं, इसको हम अवकलन भी कहते हैं। समझ रहे हैं, इसको हम अवकलन भी कहते हैं। अवकलज अवकलन में थोड़ा सा अंतर है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अवकलज का जो संकेत होती है ना, अवकलज का जो सिंबल होता है, अवकलज का सिंबल होता है डी बटा डी एक्स, और यहाँ पे क्या रहता है फलन। अवकलज का जो संकेत होता है वो होता है डी बटा डी एक्स, और यहाँ पे क्या होता है फलन। इसको हम पढ़ते हैं, फलन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इसको हम पढ़ते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलज। इसको पढ़ते हैं x के सापेक्ष अवकलज। ध्यान दीजिएगा, मतलब अवकलज का सिंबल होता है डी बटे डी एक्स, मतलब जो नीचे रहेगा ना उसी के सापेक्ष अवकलज होते हैं। समझिए, तो अवकलज को हम लोग कहते हैं डी बटे डी एक्स। यहाँ पे अगर रहेगी t, तो किसको बोलिएगा t के सापेक्ष अवकलज। यहाँ पर रहेगी s, s के सापेक्ष अवकलज। यहाँ पर रहेगी थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलज। समझ रहे ना, तो अवकलज का सिंबल होता है डी बटे डी एक्स। यहाँ पे क्या रहेगा फलन, यहाँ पर रहेगा फलन। फलन क्या होगा सवाल डिसाइड करेगा। समझ रहे ना, ये चीज आपको गौर से देखना पड़ेगा। आइए, अवकलज का सिंबल तो समझ गए, और हम आपको तुरंत बता चुके हैं यहाँ पे क्या रहता है फलन। फलन कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले हम बेसिक्स फलन का अवकलज करेंगे। बेसिक फलन का अवकलज जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बेसिक फलन मतलब हो सकता है वह त्रिकोणमिति हो, इनवर्स त्रिकोणमिति हो, बहुपद हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो। समझ रहे हैं ना, चलो घातांक ऐसा फलन हो सकते हैं जिसका अवकलज करेंगे। तो बारी बारी से हम सारे फॉर्मूला को देखने वाले हैं, आज के क्लास में उसी फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का देखते हैं, सबसे पहले त्रिकोणमिति का देखते हैं। तो आप देखिए अवकलज देखते हैं, डी बटे डी एच तो अवकलज का सिंबल होता है, पर यहाँ पे हम रखेंगे साइन। इसको क्या बोलेंगे पढ़िएगा, क्या साइन एक्स का अवकलज एक्स के साथ, साइन एक्स का अवकलज एक्स के साथ। तो साइन एक्स का अवकलज होती है डी टेन एक्स बटा डी एच, तो टेन एक्स का अवकलज होता है सेक स्क्वायर एक्स। चौथा नंबर में होगा डी टेन के बाद होती है कॉट एक्स बटे डी एच, तो कॉट एक्स का अवकलज है ना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद हम लोग अवकलज देखेंगे, कॉट के बाद क्या होता है सेक एक्स बटे डी एच, तो sec x का फलन क्या होता है sec x into tan x। फिर छठा नंबर में d cosec x बटे dx, तो cosec x का फलन होता है माइनस cosec x into, ये सब हुआ अवकलज। ये त्रिकोणमिति का अक्षर निष्पत्ति होता है sin cos tan cot sec और cosec, तो सबका अवकलज दिख रहा है। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, हमेशा पूरा तीन चार महीना तक, समझ रहे हैं, जब तक ये कैलकुलस खत्म ना हो। ये त्रिकोणमिति के छह फलन का आकलन आपको दिख रहा है। फिर आप देखोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या होता है डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी ए, तो साइन इनवर्स एक्स का आकलन होता है वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दो नंबर मोस्टली है डी कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन, तो कॉस इनवर्स होता है माइनस वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर तीन नंबर में होती है डी टेन इनवर्स एक्स का अवकलन, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपका ये चौथा नंबर में होती है डी कॉट इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, तो कॉट एक्स का अवकलन वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये होती है माइनस में। पांच नंबर में होती है डी sec इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, तो sec इनवर्स एक्स तो होता है वन बटे एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब उसके बाद होती है cosec इनवर्स एक्स, तो cosec का होता है माइनस वन बटे एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला दिख रहा है, ये भी आप हमेशा से याद रखेंगे। समझ में आया ना, ये त्रिकोणमिति का छह और इनवर्स त्रिकोणमिति का छह, ये बेसिक चीज आप कहीं से भी बुक से भी नोट कर सकते हो, आपको ये याद रखोगे। उसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं, बहुपद होती है ना, तो बहुपद का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से देखिएगा ये
अब कलच को डिनोट करते हैं डी एक्स के पावर एन बटे डी एक्स। और सुनिएगा एन लिखा हुआ है, एन मतलब कोई भी अंक होगा, कोई भी नंबर होगी। तो एक्स के पावर एन का अवकलन होती है सर के वाले को आगे ले आओ, है ना, और जितना पावर है उसको एक कम करके उतार दो, जो कलन है ना उसी को उतार दीजिए लेकिन पावर को एक कम करके। तो ये हो गई है डी एक्स के पावर एन का मतलब बहुपद का अवकलन हो गया। इससे बहुत सारा चीजें क्लियर हो जाएगा, समझ रहे ना। फिर बहुपद में रिलेटेड एक होता है डी एक्स का अवकलन होता है एक। देखो इसको अब क्या बोलेगा, एक्स का नंबर डी बटे डी एच तो सिंबल हुआ ना, तो एक्स का अवकलन कितना होता है एक। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स का अवकलन होती है एक। अगर कोई कांस्टेंट है सी, कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं सी से, या अगर कोई कांस्टेंट है अचर पद तो उसका अवकलन कितना होगा, उसका अवकलन होगा जीरो। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। इस सबको कुछ एग्जांपल्स पे काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एग्जांपल्स देखने वाले हो तो डी हम यहाँ पे लिखने वाले डी एक्स के पावर पांच प्लस सिक्स एक्स के पावर थ्री प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नौ। यह आपको एक फलन दिया गया कि नहीं, है ना। अगर हम बोले इसका अवकलन करनी है तो क्या करिएगा, बारी बारी से पहले अलग कर लीजिए, इसमें डिबेटे सबको अलग अलग कर लीजिएगा, जैसे सबको अलग अलग कीजिएगा, सबका अपना अपना प्रश्न हो जाता है। अब इसका क्या होगा, इसका होगा पांच इंटू एक्स के पावर चार, सर्वे वाला को आगे जितना पावर उसको एक कम प्लस छो तो है सर्वे वाला आगे आ गया तो छत्तीस अठारह और एक्स के पावर तीन था दो लिख देंगे, ये सर पे आ गया तो छी बारह और एक्स के पावर दो था तब इसके बाद एक बचे रसी एक्स बचे, ये नौ कांस्टेंट हुआ अचर पद, अचर पद में कितना होता है ये जीरो होती है, काम हो गया कंडीशन, समझ रहे ना। तो आपको ये मिलेगी, तो बहुपद वाला भी आपको ध्यान रखना है, बहुत काम की चीज है, समझ गए ना। इसको बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्या सबको पता है कि नोटों की चीज है, बताए सबको नहीं नोट करिए। आप देखे हो त्रिकोणमिति है, इनवर्स त्रिकोणमिति और बहुपद के बारे में देख लेना। अब एक ये होती है जिसको हम लोग चर घातांकीय कहते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक चर घातांकीय फलन होता है एक्सपोनेंशियल फलन, जो कि ऐसा होता है डी ई का पावर एक्स बटे डी। तो ई का पावर एक्स का अवकलन होती है ई का पावर एक्स, समझ रहे हैं ना, ई का पावर एक्स होता है ई का पावर एक्स। फिर होती है डी ए का पावर एक्स बटे डी, जहां पे यह ए जो है वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ई फिक्स एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यूएशन 2.0 समथिंग होता है, ई फिक्स है हाँ। और ये जो ए है जिसका मान बदलते रहेगा, ई का पावर एक्स का अवकलन होता है ई का पावर एक्स इनटू लॉग ए। ये भी आपको बहुत जरूरत, अब बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव पूछ देता है इस फॉर्मूला से रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपको अगर पूछा जाएगा डी पांच का पावर एक्स बटे डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक बार वही उतार दो पांच का पावर एक्स इंटू लॉग पांच, समझ रहे ए का पावर एक्स का एक बार इसी को नहीं उतार देते, एक बार लॉग ए मतलब लॉग के साथ ये चिपकाते हैं, उसी प्रकार पांच का और एक बार पांच का पावर एक्स एक बार लॉग पांच, इसी में ए का काम कर रहा है। अगर आपको सिंपल सा, अगर आपको डी सात का पावर एक्स अगर बोले, इसका क्या बोलोगे, सात का पावर एक्स इंटू लॉग सेवन। ये भी ऑब्जेक्टिव में एक चिपका देता है बोर्ड में, बहुत ईजी चीजें रहती है। ये कुछ हुआ एक्सपोनेंशियल वाली चीजों को, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज है, समझे, ये बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद कुछ बना बनाया फॉर्मूला है जिसको आपको इस्तेमाल, जैसे रूट एक्स हुआ, है ना, जैसे आपको रूट एक्स हुआ, इसको याद रखें कि जरूरत पड़ जाती है। आप लोग देखने वाले हो, अगर आप डी रूट एक्स का अवकलन पूछेगा, ये रूट एक्स, अगर आपको रूट एक्स का अवकलन पूछे तो आप उस समय निकालना मत, थोड़ा तैयार करके रख लीजिए फॉर्मूला, ताकि बैठाने बढ़िया रहेगा। रूट एक्स का अवकलन थोड़ा निकाल देते हैं, रूट एक्स का मतलब होती है डी, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में वन बाय टू, रूट का मतलब होती है एक्स पे रूट है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना एक्स का पावर वन बाय टू बटे एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको लिख सकते हैं, अब बताओ जब भी पावर में कोई चीज दिखता है तो बहुपद वाला फॉर्मूला पे सेटिंग हो जाती है। अब हम क्या इसको करेंगे, सर के वाले को आगे मतलब वन बाय टू आगे, और जितना पावर है एक्स का उसको एक घटा के उतार देते हैं, एक्स का पावर है वन बाई टू, और वन बाई टू में से एक घटाएंगे तो माइनस वन बाई टू ना बचेगा, तो बचेगा एक्स के पावर माइनस वन बाई टू, अगर ये घटाते हैं, समझ रहे हैं ना, आपको ये मिल रहा है हम लोग को, ये वन बाई टू और एक्स के पावर माइनस वन बाई टू को अगर प्लस करना है तो उसको नीचे में ना भेजनी पड़ेगी, पावर अगर माइनस है तो उसको प्लस में करने के लिए क्या उसको बटा में भेजना पड़ता है। अब इसको देखिएगा वन बाय टू,
बढ़ दी ऊपर भी देगी, गुना कर लीजिए एक में गुना करेगा कितना होगा नीचे दो एक्स के पावर वन बाई टू पॉइंट हम लोग करते हैं क्या टू एक्स। तो अब हम कह सकते हैं ना डायरेक्टली, अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं डी रूट अंडर एक्स का जो अवकलन होगा वो होगा वन बाय टू रूट एक्स। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा एकदम बनना बना एक तरह इतना लंबा प्रोसेस मत लेने लगेगा, समझ रहे हैं ना, इसको याद रखिएगा रूट एक्स का अवकलन होती है वन बाय टू रूट एक्स, सवाल में जरूरत पड़ने वाली है समझे। फिर आपको कुछ इस प्रकार के फलन की भी जरूरत पड़ेगी व्युत्क्रम वाली डी वन बटे एक्स का, समझ रहे हैं ना डी वन बटे एक्स का, समझ गया। अब इसको भी आप बना सकते हो जैसे बट्टा में अगर एक्स है इसको अगर ऊपर भेजते क्या होगा, इसको हम एक्स के पावर माइनस वन तो कह सकते हैं ना, अब बट्टा डी एक्स सही है। अब आपको जैसे पावर में कुछ दिखे आप बहुपद का फॉर्मूला लगा के सर पे वाले को आगे तो माइनस वन को आगे लगाएगा और जितना पावर है उसमें से एक घटा के उतार देते हैं, एक्स का पावर कितना है माइनस वन, माइनस वन में से माइनस वन घटा एक्स के पावर माइनस वन हो जाएगा क्योंकि माइनस वन है फिर से माइनस वन करेंगे माइनस वन माइनस माइनस टू। अब इसी को बताओ माइनस वन तो है पावर को प्लस करने के लिए इसको नीचे नहीं लाते तो वन बटे एक्स का अवकलन कितना होगा माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और ट्राई कर लेते हैं वन बटे एक्स के पावर पांच, अगर इसका अवकलन आपको पूछे कोई तो इसको भी सेम प्रोसेस अप्लाई करो माइनस पांच कितना होगा डी एक्स के पावर माइनस पांच अब बट्टा डी एक्स यही करोगे सेम प्रोसेस सर्वे वाले को आगे लाओगे जितना पावर है उससे कम करोगे माइनस वन हो जाएगी अब इसको माइनस पांच को रहने दो पावर को प्लस करने के लिए नहीं हो रहा इसका आपका नहीं है मतलब इसके लिए डायरेक्टली एक सेटिंग्स है देखिए कैसा सेटिंग्स था वन बटे एक्स का अवकलन क्या हुआ था माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर कैसे हुआ था देखिए कैसे इसको करेगा डायरेक्टली मेथड पर तो डायरेक्टली कैसे करिएगा यहाँ पे पावर कितना है एक तो पावर जो है माइनस लगा के ऊपर लिख देते हैं मतलब पावर यहाँ पे क्या था एक तो पावर को माइनस लगा के ऊपर लिख दीजिए माइनस एक हो गया जो पावर है उसको एक बढ़ा दो उतार दो तो यहाँ पे पावर कितना है एक तो एक बढ़ाने वाले एक्स का दो नहीं हो जाएगा नहीं हो गए। अगर यहाँ पे वन बटे एक्स के पावर पांच था सेम प्रोसेस डायरेक्टली वाला डायरेक्टली देखिए शॉर्ट में जो पावर है उसको माइनस लगा के ऊपर लिख दीजिए जो पावर है उसको एक बढ़ा दीजिए तो पांच है कितना होगा नहीं हो गया तो यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते अगर आपको वन बटे एक्स के पावर नौ दिख रहा है और इसका अवकलन पूछेगा तो क्या होगा पावर को माइनस लगा के ऊपर अब बटे बढ़ा दीजिए एक्स के पावर नौ है तो ये हो जाएगी एक्स के पावर दस कर सकते हो। अगर आपको सात बटे एक्स के पावर दस है इसका अवकलन क्या होगा पावर जो उसको माइनस लगा के ऊपर ऊपर ऑलरेडी सात है ही माइनस दस भेजोगे तो माइनस सत्तर नहीं हो जाएगा पावर दस है इसको करते हैं क्या आप व्युत्क्रम वाले को डायरेक्ट ही बना लोगे प्रोसेस में अप्लाई करिएगा डायरेक्ट ले लिख लीजिएगा ये सब कुछ बना बनाया फॉर्मूला है जो कि आपको काम आएगी आगे लॉन्ग टर्म के सवाल को बनाने में ये सब भी आपको नोट करना चाहिए समझ रहे ना ये बहुत बढ़िया चीज है जल्दी से नोट करिए। हाँ एक चीज और इसके साथ साथ एक और फलन है जिसको हम लोग कहते हैं लघुगणक फलन लॉग वाला जैसे डी लॉग एक्स का अवकलन जो होती है ना डी लॉग एक्स का अवकलन होती है वन बटे एक्स ये भी बढ़िया है इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए जल्दी इसको भी नोट करिए काम आएगा जल्दी। ये जो फॉर्मूला देखे ये आपका सिंपल फलन का लेकिन आपको जब सवाल देखिए अभी हम लोग जो फलन देखे थे ना अभी तो हम लोग देखे थे सिंपल फलन अभी हम लोग देखे थे सिंपल फलन अभी देखे थे सिंपल फलन और अब आपको मिलेगा संयोजित फलन संयोजित फलन ये अभी जो जितना भी फॉर्मूला देखे थे ना वो सिंपल फलन साइन एक्स का फलन जो भी फॉर्मूला देखे तो वो एक सिंपल फलन था लेकिन अब आपको और ये जो सिंपल फलन का जो आप फॉर्मूला देखे थे ये बोर्ड में आपको एक मार्क्स में पूछ देगा डायरेक्टली फॉर्मूला आई है तो समझ रहे ना लेकिन अगर आपको दो मार्क्स में पूछेंगे सवाल को अगर जटिल बनाना होगा सुनिएगा ध्यान से अगर सवाल को जटिल बनाना होगा तो क्या करेगा एक फलन में दो फलन तीन फलन चार फलन पांच फलन एक फलन में बहुत सारे फलन को डाल के उस फलन को जटिल बना दिया जाता है। जब आपको
सवाल को उत्पटांग देना होगा, तो एक ही फलन के दो तीन फलन को डाल के फलन को बना दिया जाता है उत्पटांग। तो उस उत्पटांग फलन को हम लोग कहते हैं संयोजित फलन। जैसे कि आप देख सकते हो सिंपल फलन कैसा है, जैसे कि हम लोग देख चुके। और हाँ, फलन को डिनोट करते हैं हम लोग वाई से, फलन को सूचित करते हैं वाई से या एफ एक्स। जैसे आपको देखिए साइन एक्स ये क्या था, सिंपल फलन था। कॉस एक्स ये सब क्या था, सिंपल फलन था, जिसका फलन आपको पता है। जैसे एक्स के पावर 10 ये सब क्या था, सिंपल फलन था। लॉग एक्स ये सब क्या था, सिंपल फलन था, जिसका फॉर्मूला आप लोग को डायरेक्टली पता है। लेकिन अब आपको इधर जो फलन मिलेगी वो सिंपल फलन नहीं मिलेगी, वो मिलेगी आपको संयोजित फलन, है ना। अब देखो संयोजित फलन कैसा होता है, ध्यान देखिएगा। संयोजित फलन एक ही फलन में ढेर सारा फलन को डाल दिया जाता है। जैसे आपका एक प्रश्न है कॉस और यहाँ पे एक्स है, ये तो सिंपल फलन है ना कॉस एक्स। लेकिन क्या करेगा, इस एक्स के स्थान पे कुछ फलन डाल देगा। जैसे एक्स के स्थान पे जैसे कोई भी हम डाल देते हैं, कॉस था ना, हम कॉस में डाल दिए हैं साइन। और क्या हुआ यहाँ पे, देखो कॉस एक्स न होना चाहिए, कॉस में एक्स न होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स के स्थान पे साइन एक्स है। तो हम इसको कहेंगे ना जो कॉस में साइन को डाला गया है, मतलब किसी में किसी को डालते हैं, मतलब एक्स के स्थान पर ही ना डालते हैं, हम कह सकते हैं ना कॉस में साइन को डाला गया है। फिर यहाँ पे एक्स के जगह पे हम कोई फलन डाल सकते हैं, जैसे मेरा मन किया एक्स के जगह पे हम डाल सकते हैं लॉग, ये डाल सकते हैं। अब इसको देखिए आपको क्या लग रहा है, कॉस में पहले क्या डाला, साइन डाला, फिर साइन में क्या डाला, लॉग डाला। हम ये भी तो कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, आपको नहीं लगा ये चारों फलन को मिला दिया गया है। पहले हम कॉस में किसको डाले, साइन में, साइन में किसको डाले, लॉग एक्स को, फिर एक्स की जगह पे भी हम एक्स के पावर 10 डाले, समझ गए ना। तो कुल ये कितना फलन हो गया, देखो कुल हो गया आपका फलन इतना, समझ रहे हैं। मतलब फलन में फलन को डाल के फलन को जटिल बना दिया जाता है। ये सिंपल फलन था जिसका फलन आप जानते हो, जिसको फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। और ये है संयोजित फलन, मतलब एक फलन में दो फलन, आप फलन को डिनोट करते हैं हम लोग y से। ये सब हो गई है y, समझ रहे हो, ये सब हो गए y। ये एक संयोजित फलन है, इसका आप गलन करना। अगर ये सब आपको दे एक नंबर कुछ दिया जाता है फॉर्मूला बिहार बोर्ड में, और अगर ये सब देगा आपको तो आपको दो मार्क्स मिलेगी, समझ रहे हैं। ये सिंपल है, पहले ये सब चीजें देख लीजिए, मतलब संयोजित फलन का आप गलन करोगे, समझ गए, आप अवकलन करोगे संयोजित फलन का अवकलन। तो सिंपल फलन का अवकलन तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ये फलन कैसे, इसका साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स कैसे हुआ, ये भी हम बताएं आपको। अभी संयोजित फलन का जो अवकलन करते हैं तो उसके लिए एक रूल्स होती है, संयोजित फलन का जो अवकलन करते हैं इसके लिए एक रूल्स होती है, जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल, जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। तो आपको एक चेन रूल पता होना चाहिए, अगर चेन रूल पता है ना तो कितना भी फलन को संयोजित करके जटिल फलन बना दे आप बड़े आराम से उसका अवकलन ज्ञात कर सकते हो, मतलब डी बटे डी एक्स उसका निकाल सकते हो, समझ रहे ना। ये चेन रूल जानकारी रखें कि आधा फलन आपका इसी पे है, तो ये आपको बढ़िया से पता होना चाहिए, समझे। तो सबसे पहले चेन रूल देखिएगा डिटेल्स में, मतलब स्टेप वाइज, उसके बाद आप इसको देखिएगा शॉर्ट में, समझे, क्योंकि स्टेप वाइज करिएगा तो आगे जाकर के सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले आप डिटेल्स में देखिए चेन रूल, उसके बाद हम लोग देखते हैं शॉर्ट में। तो पहले आप चेन रूल देख लीजिए, तो इसी फलन का अवकलन करेगा, इसी फलन का अवकलन करते चेन रूल से। तो सबसे पहले शुरू करिए, आपका फलन कितना है, चूंकि वाई बराबर आपका फलन है कॉस साइन लॉग एक्स के पावर 10, ये ना आपका अवकलन है, ये फलन है जिसका हम लोग को अवकलन करना है, मतलब इसका हमको ज्ञात करनी है dy by dx ज्ञात करनी है। तो चलिए आपको dy by dx ज्ञात करते हैं, देखो इसको dy by dx कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दोनों तरफ d बटे dx लगा दीजिए, इसका अवकलन ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ क्या करिए, d बटे dx। आप इसको भाषा में भी लिख सकते हो, भाषा में लिख लोगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाषा में आप लिख सकते हो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इससे क्या पता चलेगा, जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो अर्थात d बटे dx दोनों तरफ चिपका रहे हो, d बटे dx से कौन x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो या तो आप भाषा में कुछ लिख सकते हो या बिना भाषा में लिखे हुए ही कर सकते हो, क्योंकि पहले हम लोग नहीं करते थे दोनों तरफ वर्ग करने पर, याद है ना, जब छठा सतवा पढ़ते थे तो लिखते थे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब सीनियर हो गए तो क्या करते थे, बिना लिखे हुए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं थी। तो आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, कोई लोचा नहीं। हम क्या करते हैं दोनों तरफ डी बटे डी एक्स लगाएंगे, तो डी बाई डी एक्स इधर भी लगाइए डी बटे डी एक्स, तो वाई तो है डी और इसमें डी बटे डी एक्स लगाओ तो आपको नहीं लग रहा है डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी, मतलब वाई तो है ना, इसमें डी बटे डी एक्स लगा दिया डी वाई डी एक्स हो गया, समझ गया ना। आप लगाओ सिर्फ डी बटे डी एक्स,
ये वाई तो खाई, अब इधर भी लगाएंगे डी बटे डी एन, देखिए क्या होगा। देखिए क्या केस है, इधर भी आप लगाए डी बटे डी एक्स, इधर भी लगाए डी बटे डी एक्स, ये क्या है अपना वाला, ये तो फलन है जो कि था, समझ रहे ना। अब आपको इसका अवकलन करनी है, बड़ी रिलैक्स होके अवकलन करनी है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, अवकलन तभी फॉर्मूला पे बैठेगा जब ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल बराबर, जैसे आपको याद होगा डी साइन एक्स बटे डी, मतलब यहाँ वाला और यहाँ वाला जब दोनों मैच करेगा ना तभी आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, जैसे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x, ध्यान रखिएगा जब यहाँ वाला और यहाँ वाला मैच करेगी ना, समझ रहे हैं ना, तभी आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, जबकि ये दोनों यहाँ वाला और यहाँ वाला मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैच करवाइए, समझे ना, उसी का नाम है चेंज रूल, समझ गए हो। तो फॉर्मूला पर बैठने के लिए यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों को मैच करना पड़ेगा। आइए हम मैच करवाते हैं, हमको तो डी बाई डी चाहिए ही, इसको कुछ करने भी नहीं करेंगे, इसको मैच करवाइए, पढ़िए डी कॉस एक्स डी कॉस एक्स, मतलब डी कॉस एक्स पढ़ रहे हो एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे इतना बड़ा चीज ना, तो डी कॉस एक्स बटे डी एक्स, मतलब ऊपर में जो आप एक्स पढ़ रहे हो वो एक्स है नहीं, वो कुछ और है, लेकिन नीचे में जो आप एक्स पढ़ रहे हो वो एक्स ही है, मतलब ऊपर वाला एक्स और नीचे वाला एक्स मैच किया, ठीक है, ऊपर वाला एक्स की जगह पे कुछ और में डाल लेता हूँ संयोजित करके, और नीचे वाला एक्स सिंपल एक्स है, अब फॉर्मूला पे बैठने के लिए ऊपर वाला एक्स और नीचे वाला एक्स दोनों मैच करना चाहिए, तो वही हम लोग मैच करवाते हैं चेन रूल से। आइए कैसे इसको मैच करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा, शुरू हो जाइए, ये डी वाई बाय डी एच तो हम लोगों को पता है चाहिए, अब सेट करवाइए डी कॉस साइन लॉग एक्स के पावर 10, शुरू हो जाइए, पढ़िए इसको डी कॉस एक्स डी कॉस एक्स, मतलब एक्स ही टोटल है, डी कॉस एक्स बटे डी, मतलब नीचे में अगर ये टोटल अगर रहेगा ना तो फॉर्मूला पर बैठेगी, लेकिन मेरे पास में नीचे में क्या है डी एक्स है, लेकिन हमको नीचे में क्या है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तब ना फॉर्मूला मैच करेगा, तब अपना मन से लिख दो, अब कहेगा सर अपना मन से लिख दे, हाँ यस अपना मन से लिख दीजिए, क्योंकि हमको अपना मन से लिखे, सवाल के साथ ऐसा छेड़खानी करे कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े, अगर अपना मन से कहीं पे दो से गुना कर रहे हो तो दो से भाग दे लो तब ना कट के सेम हो जाएगा, कहीं पे अगर अपना मन से दो जोड़ रहे हो दो घटा लो तब ना कट के जीरो हो जाएगी, तो रूल्स होती है, सवाल के साथ ऐसा छेड़खानी करो कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े, तो आपको यहाँ पे जरूरत है किसका, यहाँ से यहाँ तक का है ना, लेकिन आपके पास है नहीं तो क्या करिएगा, दे दीजिए अपना मन से, हम दे लेते हैं डी साइन लॉग एक्स के पावर, हम ऐसा देखेंगे तो गलत वाला बात है, क्योंकि हमको पूरे इंतजार में थे, जब हम दिनों पर शूट करेंगे तो नहीं फिर कर पाए, आइए पढ़ते हैं, सब चला गया था, अब देख लो मेरी गड़बड़ा गया, हम बैठेंगे दल दे, बंद कर देंगे बोला क्या पहला बंद कर देंगे फिर हम देखो फिर करते हैं, लेकिन एक बात है एक्सपीरियंस तो मिलता है, अब देखिए सपोज अभी बनाते समय रुक गए, अब जिंदगी में अभी रुकेगा, जिंदगी में जब भी मोबाइल फोन या लाएंगे पहले सोचेंगे ये स्पेस तो है ना, यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग अपनी गलती से सीखते ना, ये गलती है गलती ना हुआ छोटी सी बात, हम लोग अपनी गलती से सीखते नहीं, छोटी सी गलती हुआ, आइए सुन करेगा देख लो देख लो, आइए थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद यही चीज नीचे लिखी थी जो ऊपर लिखे और फिर इसको पढ़िए डी लॉग एक्स, अब देखो इसका एक्स क्या है, ये ना डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, फिर अपना मन से ये चीज लिखो, क्योंकि हमको नीचे में डी एक्स होना चाहिए, प्रश्न के हिसाब से नीचे में होना चाहिए डी एक्स, लेकिन अभी भी आ रहा है एक्स के पावर 10, अपना मन से नीचे लिखे तो फिर इसी चीज को अपना मन से ऊपर लिखे, अब फिर से पढ़िए डी एक्स के पावर एन, फॉर्मूला ना है 10 वाला,
तो डी एक्स के पावर एन, तो डी एक्स का पावर एन का फॉर्मूला होता है डी एक्स, डी एक्स के पावर एन बटे डी एक्स, और यहाँ जो एक्स है वो वास्तविक वाला एक्स है, देखो यहाँ है डी एक्स के पावर एन, अभी पढ़ रहे हो एक्स और लिखा हुआ है एक्स, लेकिन अभी तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे थे एक्स लेकिन उसका एक्स था कुछ और, देख रहे थे ना, लेकिन अब पढ़ रहे हैं एक्स और है एक्स, तब ना नीचे में हम डी एक्स ही लिखेंगे, और जब पूरा करते करते नीचे में डी एक्स आ जाए उसी समय रुक जाइएगा, समझे, उस समय रुक जाइएगा। अब देखिएगा फिर से अगर काटते चलिएगा ना, सब पहले जैसा हो जाएगा, इसको ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये और ये नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, मतलब अगर इसको काटोगे तो इससे कट जाएगा ये, इससे कट जाएगा ये, इससे कट जाएगा ये, तो बचेगा कौन, ये बचेगा और ये बचेगा, यही दोनों नहीं है, समझ गया ना, मतलब मेरा प्रश्न ज्यों करते हो लेकिन छेड़खानी करके क्या कि इसको फॉर्मूला पे बैठा दिए, समझ रहे हो ना। अब देखिए ये चार गो चेन बना, एक दो तीन और चार, क्योंकि इसमें चार फलन मिक्सचर आता, चार फलन मिला है, जितना फलन मिक्सचर रहेगा चेन में उतना ही चेन बनेगा, समझ रहे हो ना, जितना फलन मिक्सचर रहेगा चेन रूल में उतना ही चेन बनेगी, इसमें कुल कितना चेन बना, चार गो, क्योंकि इसमें चार फलन मिला हुआ था, तो इसको हम लोग कर रहे हैं चेन रूल, एक मिनट यार मस्ती मत करो, चेन रूल हो गए। अब बताइए क्या फॉर्मूला सेट कर लिए, अब इसको फॉर्मूला पे बैठाओगे, अभी आप क्या किए, अभी आप एक्स के जगह पे जो चाहिए था वो दिए हैं हर एक के लिए, अपना एक्स के जगह पे जो चाहिए था ना वो दिए हैं हर एक के लिए अपना अपना, अब आप फॉर्मूला लगाओगे और फॉर्मूला याद होना चाहिए, आइए फॉर्मूला शुरू करें, कॉस एक्स माइनस, नीचे वाले पर देख रहे हैं, नीचे वाला तो डी एक्स होता ना, तो कॉस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का कलम माइनस साइन, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्स की जगह वही दीजिए जो है ना, तो माइनस साइन और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन लॉग एक्स के पावर, समझ में, ये फॉर्मूला हो गया कॉस एक्स का, हो गई, फिर इनटू अब इसका, इसका ना इसको पढ़िए, साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, नहीं प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होती है कॉस और एक्स की जगह वही दीजिए जो देना है, क्या एक्स की जगह लॉग एक्स के पावर 10, इसका हो गया, अब इसका log x, तो log x का सही बात है, इंटू करके log x का होता है 1 बटे x, तो इसका x ये ना log x का होता है 1 बटे x, मतलब x के जगह पे लिखना x के पावर 10 इंटू x के पावर n 10, इसका जानते हैं सर्वे वाले को आगे, सर्वे वाले को आगे, आज जितना पावर है उसको एक कम कर दिए, ये नहीं होगा, समझ रहे हैं आप, ये आपको होगी प्रश्न, आप इसको क्या करिएगा अगला स्टेप में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर लीजिएगा, अगला स्टेप में क्या करिएगा कुछ काट कुट लीजिए, जैसे कटेगा कटेगा, देखो यहाँ एक्स पावर कितना है 9, और यहाँ एक्स पावर कितना है, तो 9 को तो एक्स कट जाएगा ना, अरे भाई 9 को एक्स कट जाएगा ना, अगला स्टेप में क्या करिएगा इसे को काट लीजिएगा, काम हो जाएगी, कोई दिक्कत है ना, तो चेन रूल का मतलब समझ गए, चेन रूल कब अप्लाई होती है, कब, जब फलन संयोजित हो, तब एक फलन के अंदर दूसरा फलन डाला रहता है तब, अब संयोजित फलन कितना टफ होगा वो डिपेंड करता है आपके सवाल पे, कभी कभी दो ही फलन मिलाकर संयोजित बना देगा, कभी तीन को, कभी चार को, कभी पांच को, कभी दस को, समझ रहे हैं ना, तो आपको इस प्रकार से फलन को संयोजित करके देगा, और आप जब तक 10-15-20 सवाल बनाओ देने तब तक अच्छे से फॉर्मूला समझ में आएगी, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसका मात्र 5% की भूमिका है, अब आपको ज्यादा मजा तब आएगा जब ज्यादा मात्रा में सवाल बनाओगे, गलती सलती करोगे तो प्रैक्टिस करिए आपकी काम हो जाएगी, ये चेन रूल है, तो सिंपल फलन को अवकलन डायरेक्टली कर लेते हैं, और संयोजित फलन के लिए कौन सा रूल, चेन रूल, जो कि आपको पता होना चाहिए, आपको होमवर्क दिया जाएगा 25 सवाल, ऐसा है क्या, सब विद्यार्थी अपने बुकलेट पलटिए, सब विद्यार्थी अपने बुकलेट को देखिए, लोग अपने स्टडी मटेरियल को देखिए, जिसके पास किताब भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी भारतीय बोर्ड, जो किताब देखना है सर किताब देखिए, सब में है, बुक्स में देख लीजिए, समझ रहे ना, अब देखिए सारे विद्यार्थी छठा टाइप को देखेंगे, सीधे छठा टाइप, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बताएंगे हम, छठा टाइप को देखिए कुल कितना सवाल है, देखिएगा छठा टाइप में कुल सब बता देते हैं, कुल कितना सवाल है 25, अब 25 सवाल का अगर गौर कीजिएगा तो सब संयोजित फलन है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई पटा कोई बढ़िया, अब आप घर कितना नंबर, हम सब नंबर बता देते हैं, पहले आप इसको थोड़ा सा खाली करेंगे, लिखना थोड़ा सी आपस को लिख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, जल्दी खाली करेंगे, देखो 5 नंबर में थोड़ा सा गलती है, प्लस नहीं होना चाहिए, ये देखो आपका प्रश्न है, फलन को डिनोट किसे करते हैं,
वाई से, यहाँ पे इन टू है, समझ रहे हैं ना। अब आपको गौर करना पड़ेगा, सबसे पहले सेटिंग करनी पड़ेगी, ये फलन है ना, और आपको इसका चाहिए डीवाई बाय डीएक्स बराबर। अब बताइए डीवाई बाय डीएक्स ज्ञात करने के लिए आपको पहले बता चुके हैं दोनों तरफ क्या करने का, डीवाई डीएक्स तो दूर तो खींच लिए, अच्छा बन गया। देखो क्या अच्छा, डी रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बटे डीएक्स। अब इसको पढ़िए, अगर ऊपर वाला एक्स नीचे वाला एक्स मैच करती है तो फॉर्मूला बैठेगा, अन्य तो नहीं। अगर मैच कर रही है चेन रूल पे मैच कर पाओ, पढ़िए डी रूट एक्स, डी रूट एक्स बटे डी एक्स, मतलब रूट एक्स मतलब ऊपर वाला एक्स कुछ और है, नीचे वाला एक्स कुछ और है, तो करना चाहेंगे ऊपर वाला एक्स और नीचे वाला एक्स दोनों मैच करना चाहिए। अब मैच करवाइए चेन रूल, अब बैटरी खत्म हो गया, छोड़ो बैटरी चल रही है। डी उसके बाद रूट अंडर बताओ कितना होगा सर, अब इसको पढ़िए तो पढ़िए डी रूट एक्स बटे डी एक्स, समझ में आ रहा है। ये चीज डालेंगे, ये चीज अपना मन से नीचे डालने से ठीक रखेंगे, ये चीज ऊपर डालेंगे डी कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसको पढ़िए डी कॉट एक्स, मतलब इसका एक्स ये ना है डी कॉट एक्स बटे डी एक्स, ये भी अपना मन से डाले, ये नीचे डाले, ये चीज को हम रखेंगे ऊपर। फिर इसको पढ़िए डी एक्स के पावर एन, डी एक्स के पावर एन बटे डी एक्स। अब रियल एक्स ने मैच किया, मतलब तीन को रूल हो गया, समझ गए ना, बस अब आप फिर में काम कर सकते हो। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर, गौर से देख लीजिएगा। अब इसको पढ़िए, आगे हमें टू है ही, इसको पढ़िए डी रूट एक्स, तो रूट एक्स का था ना, रूट एक्स का फलन होती है वन बाय टू रूट एक्स, और एक्स मतलब वही चीज जो आपको देना है रूट अंडर रूट एक्स, सही है, सही हो गए, चलो इसका हो गया वन बाय टू रूट एक्स, इसका कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का फलन अभी थोड़ा देखिए माइनस कॉट एक्स स्क्वायर, अभी थोड़ा देखिए कॉट एक्स का फलन था माइनस कोसेक स्क्वायर, और एक्स की जगह वही ना लिखेंगे जो हम लिखे थे, वही लिखेंगे। फिर अगला में है, फिर ये हो गए यहाँ से, फिर इसका एक्स के पावर टू का सर्वे वाला पार्ट है, जितना पावर उससे कम, लास्ट में क्या करोगे ये दोनों कट गए, कर दे ना। अब डीवाई बाय डीएक्स थोड़ा सेटिंग करनी है, सुंदर करनी, ऊपर वाला लिखो, ऊपर में कितना है माइनस टू एक्स इन टू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे, नीचे क्या लिखना है रूट अंडर कॉट एक्स, हो गई काम, समझ गए। ऐसा कुल मिलाकर के 25 सवाल थे चेन रूल पे, आपको बड़ी गौर से देखना है, उसके बाद बनाना है, जो बने वो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो कल का काम हो गया, समझ गए ना। तो बस होमवर्क लीजिए और कल बनाइए, दो तीन घंटे का होमवर्क जरूर दे देंगे। ये 25 सवाल है जो कि घर पे अगर आप बनाते हो तो आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगी, देखिए हमको जब दोबारा रिपीट करते तब ना समय कम लगता है, पहली बार में तो टाइम लगती है गलती वलती करने में, तो ये पहले आप घर पे बनाइए। तो आज का काम सिर्फ यही रखेंगे हम लोग, समझ रहे ना। अब कल हम देते हैं, आज इसको पढ़ के आइए और उसके बाद कल हम देखने वाले हैं, तो आज का काम यही होगा।